घूमने के शौकीन लोग लैंड ऑफ राइजिंग सन कहलाने वाला जापान देश घूमने जरूर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एंशियंट ट्रेडिशंस, कटिंग एज टेक्नोलॉजी और माउंट फ्यूजी की नेचुरल ब्यूटी को देखने का अवसर मिलता है। साथ ही टोक्यो की हलचल भरी सड़कें और जापान के प्राचीन मंदिर भी देखने को मिलते हैं। यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ही एफिशिएंट होने से जापान घूमना आसान है। चाहे जापानी वाइब्रेंट कल्चर का आनंद लेना हो या यहाँ के हिस्टोरिक लैंडमार्क्स देखने हो, जापान की जर्नी हर किसी के लिए एक मेमोरेबल जर्नी होती है। आइए जापान के टोयोटा सिटी और नगोया सिटी घूमने चलते हैं, जहां पर टोयोटा कार म्यूजियम और जापान का 5.8 मिलियन एलईडी लाइट्स से सजा हुआ सबसे बड़ा वर्ल्ड फेमस गार्डन नाबाना नो साटो को देखेंगे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेवल विद मधु विनोद में स्वागत है। आज जापान टूर का पांचवा दिन है। कल टोक्यो से चलकर हकोने घूमते हुए रात में हमामात्सु सिटी पहुंचे थे। ये ग्रैंड होटल हमामात्सु है। होटल काफी अच्छा है और इसमें कुल 262 रूम्स हैं। हमामात्सु सिटी में ये सिटी होटल होने के साथ साथ फुल सर्विस होटल भी है और 4-स्टार होटल है। आज पांचवें दिन के टूर में हमामात्सु सिटी से चलकर टोयोटा सिटी होते हुए नागोया पहुंचेंगे। हमामात्सु सिटी जापान के वेस्ट में कोस्टल सिटी है, जो पैसिफिक ओशन के किनारे है। इसकी आबादी करीब 7,80,000 है। ये सिटी टोक्यो और क्योटो के बीच में पड़ती है और जापान का सेंटर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है। यहाँ पर होंडा, सुजुकी और यामाहा का हेडक्वार्टर और फैक्ट्रीज हैं। इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने वाली बड़ी कंपनी रोलैंड की फैक्ट्री भी यहाँ है। हमामात्सु सिटी से टोयोटा सिटी करीब 86 किलोमीटर्स है। अब टोयोटा सिटी पहुंच गए। इसकी आबादी करीब 4,25,000 है। यहाँ पर टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन के कई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगे हैं। इस समय टोयोटा दुनिया की लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसका कुल प्रोडक्शन 10 मिलियन व्हीकल्स पर एनम है। टोयोटा सिटी में जापान की लीडिंग कार कंपनी टोयोटा का एक कार म्यूजियम है। ये टोयोटा कंपनी का सबसे पुराना कार म्यूजियम भी है। इस म्यूजियम को टोयोटा कंपनी के 40 साल पूरे होने पर 1977 में खोला था। म्यूजियम के अंदर फर्स्ट फ्लोर पर लॉबी एरिया में पहुंचते हैं, जहां रिसेप्शन और टिकट काउंटर्स हैं। इस म्यूजियम में हिस्ट्री ऑफ द ऑटोमोबाइल और ऑटोमोबाइल्स के इवोल्यूशन को दिखाया गया है। फर्स्ट फ्लोर पर 1936 की एक पुरानी कार का डिस्प्ले है, जहां पर लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। ये जापान में बनी पहली कॉमर्शियल कार है, जिसे टोयोटा ने ही बनाया था। ये कार ओरिजिनल कार की रेप्लिका है, क्योंकि इसे म्यूजियम में रखने के लिए ओरिजिनल ड्राइंग से बनाया गया है।
टोयोटा ऑटोमोबाइल म्यूजियम में ऑटोमोबाइल्स के इवोल्यूशन और कल्चर का बहुत ही सिस्टेमेटिक प्रेजेंटेशन किया गया है। यहाँ पर रखी हुई सभी व्हीकल्स रोड वर्दी कंडीशन में हैं। ऑटोमोबाइल गैलरी में ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी और कल्चर को दिखाया गया है, जिसमें गैसोलीन पावर्ड ऑटोमोबाइल्स के जन्म से लेकर मॉडर्न कार्स तक का प्रेजेंटेशन है। दूसरे फ्लोर पर बना हुआ एक बहुत बड़ा सा हॉल है। इस हॉल में ऑटोमोबाइल के जन्म से 1950 तक की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जर्नी को दिखाया गया है, जिसमें कुल 8 जोन्स हैं, जहां पर 1890 से 1950 तक की कारों को दुनिया भर से कलेक्ट करके रखा गया है। एस्केलेटर से थर्ड फ्लोर पर जा रहे हैं। ये दूसरा हॉल है जो थर्ड फ्लोर पर है। इस हॉल में कुल 5 जोन्स हैं, जहां पर 1950 से 2000 व आगे तक की कारों को दुनिया भर से कलेक्ट करके रखा गया है। अब सेकंड फ्लोर पर बने जैपनीज हिस्ट्री ऑफ कार मेकिंग एग्जिबिट्स को देखने जा रहे हैं, जहां पर जैपनीज कार इंडस्ट्री की फाउंडेशन से लेकर आज तक की कहानी को बताया गया है। ऑटोमोबाइल कल्चर शोरूम देखने जा रहे हैं। इस गैलरी में ऑटोमोबाइल रिलेटेड कल्चरल आइटम्स को एग्जिबिट किया गया है। यहाँ पे लगभग 800 मिनिएचर कार्स रखी हुई हैं। इस म्यूजियम में और भी बहुत कुछ देखने के लिए है, उन सबको यहाँ आकर ही देखा जा सकता है। अब म्यूजियम देखकर बाहर आ गए और नागोया को चल दिए। टोयोटा सिटी से 41 किलोमीटर चलकर नागोया पहुंचे। नागोया जापान में टोक्यो, योकोहामा और ओसाका के बाद चौथा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। इसकी आबादी करीब 23 लाख है। ये जापान के सेंटर में लोकेटेड है। यहाँ पर जापान का सबसे बड़ा सीपोर्ट है और इसकी गिनती जापान की लीडिंग इंडस्ट्रियल सिटीज में की जाती है। ये नागोया टोक्यो होटल है। ये 4-स्टार होटल है। हमारा रूम नंबर 608 है। रूम डिसेंट है। होटल प्राइम लोकेशन पर सिचुएटेड है। होटल चेक इन के बाद नागोया से नाबाना नो साटो गार्डन जा रहे हैं। ये गार्डन नागोया के पास कुवाना सिटी में बना हुआ है और ये गार्डन एक बड़े से रिजॉर्ट का एक पार्ट है। नाबाना नो साटो गार्डन जापान का सबसे बड़ा गार्डन होने के साथ साथ सबसे बड़ा इल्यूमिनेटेड गार्डन भी है, जहां का इल्यूमिनेशन बहुत ही खूबसूरत होता है। नाबाना नो साटो गार्डन को बहुत बड़े स्केल पे ब्यूटीफुल और ग्रैंड इल्यूमिनेशन के कारण पूरी दुनिया से लोग देखने आते हैं।
यहाँ पे लगभग 5.8 मिलियन एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं। रात में ये गार्डन चारों तरफ बिजली की लाइटों से जगमगाता रहता है। यहाँ इल्यूमिनेशन पिछले 20 सालों से किया जा रहा है। नाबानन और साटो में फ्लावर्स सीजन के अनुसार लगाए जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर चारों सीजन्स के फ्लावर्स लगाए जाते हैं। गार्डन के अंदर आने पर एक बेंच पर फोटो पॉइंट बना हुआ है जहाँ फोटो ली। ये यहाँ का बगोनिया गार्डन है। गार्डन में एंटर करते ही ऐसा लगता है कि किसी ड्रीम गार्डन में आ गए हों। यहाँ के बगोनिया गार्डन में लगभग 12,000 बगोनिया के प्लांट्स लगे हैं। बगोनिया गार्डन को ग्रीन हाउस में लगाया गया है जिससे ये साल भर देखे जा सकते हैं। बगोनिया गार्डन को देखने के लिए एडिशनल एंट्रेंस फी 1,000 येन देने होते हैं। यहाँ पर हैंगिंग बगोनिया भी लगे हैं। बगोनिया गार्डन में फोटो लेने के लिए जगहें बनी हुई हैं, जहां से बैकग्राउंड में बहुत से बगोनिया के फूल आते हैं। बगोनिया साउथ अमेरिका के एंडीज के प्लांट्स हैं, इसीलिए यहां पर भी इनके लिए परफेक्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम और स्ट्रीमलाइन इरिगेशन सिस्टम को मेंटेन किया जाता है। यहाँ पर लगभग 600 वेराइटीज उगाई जाती हैं, जिनमें बल्बस बगोनियाज भी हैं। इनके फूल काफी बड़े और चमकदार रंगों के होते हैं। यहाँ होने वाले सभी इल्यूमिनेशंस में ये 200 मीटर लंबी टनल ऑफ लाइट्स सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जो एक वॉक थ्रू टनल है। सभी लोग लाइट्स जलने का इंतजार कर रहे हैं। शाम के 7 बजे लाइट जल गई। जिसके जलते ही लोग टनल ऑफ लाइट में जा रहे हैं। टनल को जिन एलईडी बल्ब से इल्यूमिनेट किया गया है, इनकी शेप फ्लावर पेटल्स की है। टनल ऑफ लाइट के अंदर चलने पर ओवरवेलमिंग सेंस क्रिएट होता है। इस टनल ऑफ लाइट को जापानी में हाना काइरो कहते हैं, जिसका मतलब कॉरिडोर ऑफ फ्लावर्स है। ये पूरे नाबानन और साटो गार्डन का मोस्ट पॉपुलर स्पॉट है, जो इस गार्डन का सबसे बड़ा मैग्निफिसेंट और ग्रैंड इल्यूमिनेशन शो भी है। इस साल स्टेज पर द गोल्डन पिरामिड शो दिखाया जा रहा है। इस शो में इजिप्ट के 3 सबसे बड़े पिरामिड को स्पार्कलिंग नाइट स्काई के लार्ज पैनोरामिक थीम्ड एरिया में दिखाया गया है। इस शो में दिखाए जा रहे पिरामिड्स का साइज और पोजीशन रेशियो में उतनी ही है जितना एक्चुअल में है, इसीलिए इस शो को देखते हुए ऐसा लगता है कि इजिप्ट में एक्चुअल पिरामिड्स को देख रहे हो। इसकी लंबाई 130 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है। यहाँ वर्ल्ड हेरिटेज साइट का डायनेमिक लाइट शो, वर्ल्ड्स बेस्ट प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट एलईडी इक्विपमेंट से क्रिएट किया गया है। यहाँ एक ऑब्जर्वेशन डेक बना है जिससे पूरा लाइट शो बहुत अच्छा दिखाई देता है।
ये वाटर इल्यूमिनेशन है जिसे ग्रेट रिवर ऑफ लाइट का नाम दिया गया है। ये जापान में सबसे बड़ा सरफेस ऑफ द वाटर इल्यूमिनेशन है। यहाँ पर रिवर फ्लो को रंगीन लाइट्स से इल्यूमिनेट किया गया है। वाटर इल्यूमिनेशन को स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस किया गया है। ये एक और टनल ऑफ लाइट है। इसकी लंबाई 100 मीटर है और इसे इस सीजन में ब्लू एलईडी लाइट से इल्यूमिनेट किया गया है, जिनकी शेप नेमोफिला फ्लावर पेटल्स की है। इसमें लाइट्स के कलर चेंज होते रहते हैं। पार्क को देखकर वापस अपने होटल लौट आए और हमारे जापान टूर का 5वां दिन पूरा हुआ। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जानकारी दें। वीडियो को लाइक व शेयर करें। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें।